फ्रेंड्स, दिस इज मिहिर पटेल हियर फ्रॉम एमपीज इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स. वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर 12th साइंस. टुडेज टॉपिक फॉर दिस सेशन इज एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. मीन्स वी हैव टू डिस्कस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ टॉर्क with respect to electric dipole. So let us start for that. So just read the question first. Derive an expression for the torque on an electric dipole placed in an uniform electric field. Please, ये word को आप अच्छी तरह से read कीजिएगा. Uniform electric field के लिए अभी हम discuss करने वाले हैं. And hence define the dipole moment. तो सबसे पहले ये टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है तो उसके लिए मैं आपको यहाँ क्लियरली आइडेंटिफाई करवाना चाहूंगा डायग्राम के रिलेशन को. सो वेन वी हैव थॉट ऑफ अ सिंपल डायग्राम ओवर हियर, यू कैन सी दिस. जब हम डायग्राम की बात करेंगे तो सिंपली पहले आप ये देख सकते हो, ये जो लाइन्स आपको दिख रही है दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स. सो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर है. इट इज बेसिकली इक्वी डिस्टेंस, यू कैन सी दिस, राइट. मीन्स वो एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल है. इट सेज दैट कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है. नाउ विद इन दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक डाइपोल लिया हुआ है. सो डाइपोल का बेसिक मीनिंग क्या होता है? टू ऑपोजिट चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव, आर सेपरेटेड बाय डेफिनेट डिस्टेंस. एक फाइनाइट डिस्टेंस है दैट इज 2a, और उसको हम क्या डिनोट करते हैं? p. बेसिकली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यहां ये इलेक्ट्रिक डायपोल को हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. सो इफ यू सी दिस, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है. अभी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू सम अनदर चार्ज. प्लीज कीप इन माइंड दैट इज ड्यू टू सम अनदर चार्ज. दिस चार्जेस आर नॉट इन्वॉल्व इन इट. माने ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरे चार्जेस की वजह से है, लेकिन ये चार्जेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड में आएंगे तो ऑब्वियसली इसका भी फोर्स रिलेशन हमें डिफाइन करना पड़ेगा. सो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पर से हम बोल सकते हैं, कि यहाँ जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो चार्ज वैल्यू है यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर जो चार्ज वैल्यू होगा वो बेसिकली क्या होगा? नेगेटिव आएगा. और उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो ये डायपोल का चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव. सो ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज के थ्रू क्या होगा? अट्रैक्ट होगा. नाउ यू कैन सी दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन ओवर हियर, कि ये जो पर्टिकुलर चार्ज है उसका जो फोर्स वैल्यू डायरेक्शन है वो बेसिकली नेगेटिव चार्ज की ओर जा रहा है. मीन्स इन मोड ऑफ अट्रैक्शन. एट द सेम टाइम ये आपने पॉजिटिव चार्ज बोला और यहाँ डायपोल का क्या है? नेगेटिव चार्ज है. नाउ यू कैन सी दिस, दिस नेगेटिव चार्ज इज गोइंग टू अट्रैक्ट इन दिस पर्टिकुलर मोड. सो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स आएगा उसका जो डायरेक्शन है आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इस तरफ क्यों जा रहा है. सो एज सिंपल एज दैट, नेगेटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड दिस पॉजिटिव एंड दिस पॉजिटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर नेगेटिव साइन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन से डायपोल इज एग्जिस्टिंग ओवर हियर. हमको उसमें से यहाँ पर दो फोर्सेज मिले हैं. सो बेसिकली जो हमारा फोर्स बनेगा वो क्या होगा? एफ है. एफ उसको हम वेक्टर क्वांटिटी में आइडेंटिफाई करें. हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या था? एफ इज इक्वल्स टू ई क्यू और क्यू ई, राइट. सो ये क्यू आ गया और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं, तो उसका वेक्टर लिखा यस. यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव है इसलिए प्लस क्यू ई, और यहाँ पर चार्ज नेगेटिव है इसलिए माइनस क्यू ई हमको लिखना है. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन सी दिस, वन टाइपोग्राफिकल एरर इज दैट
ये ई नहीं, ये क्या है, एफ है। सो जस्ट करेक्ट इट डाउन। ओके, आप करेक्ट कर लेना, ये टाइपोग्राफिकल एरर है। सो बेसिकली ये एफ हमें यहां मिल गया अलोंग विद दी ई जो प्लस क्यू ई है। माने आप देख सकते हो ये जो पर्टिकुलर एरो है और ये एरो, माने इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस क्यू ई जो फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है। लेकिन जब हम ये नेगेटिव क्यू की बात करेंगे तो उसका जो टोटल फोर्स डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से अपोजिट मिल रहा है। लुक एट ओवर हियर। सो ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो फाइनली आई कैन से दैट कि जब मैं ये टोटल डायपोल का अगर नेट फोर्स निकालूंगा तो टोटल डायपोल का जो नेट फोर्स हमें यहां पर मिलेगा वो नेट फोर्स वैल्यू यहां पर बेसिकली क्या होगी, एक प्लस है और दूसरी माइनस। तो फाइनली टोटल फोर्स वुड बी जीरो। इन दिस पर्टिकुलर केस वी विल हैव द फाइनल आंसर, दैट इज द टोटल फोर्स विल बी जीरो। सो द क्लियर आइडिया यू आर गेटिंग ओवर हियर, राइट? ये सारा डायग्राम का जो रिलेशन था फिर से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहां पर रखी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस में हमारे पास डायपोल है, डायपोल में माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस टू ए। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमने डिस्कस किया, उसके अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है उसके डायरेक्शंस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट में क्या होते हैं वो हमने डिस्कस किए। कंक्लूड क्या किया कि जो क्यू पॉजिटिव चार्ज है उसका जो फोर्स डायरेक्शन है दैट वुड बी अलोंग विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो फोर्स है दैट वुड बी अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ आफ्टर दैट यू कैन सी दिस कि यहां पर जो यहां पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है वो पहले आप एक बार रीड कीजिए। Hence, the net translating force on a dipole in a uniform electric field is zero. But the two equal and opposite forces act at different points of a dipole. They form a couple which exerts a torque. See, ये पूरी जो sentence है उसको मैं आपको एक simple concept में explain करता हूँ। उसके लिए आपको याद करना होगा हमारा स्टैंडर्ड 11, राइट? तो स्टैंडर्ड 11 के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा था कि जब आपका नेट फोर्स वैल्यू मींस अगर सिंपल आपको नेट फोर्स वैल्यू कुछ मिलती है तो उस केस में आपका लीनियर मोशन पॉसिबल है, राइट? बट यहां पर क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है उसके अकॉर्डेंस में जो फाइनल फोर्स मिला वो जीरो है। कितना है? जीरो। सो ऑब्वियसली हम ये बोलेंगे कि ये जो नेट फोर्स है, क्या है, नेट फोर्स है, उसकी वैल्यू जीरो हो गई है। सो यहां लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो 11th के मैकेनिक्स में ये भी कंसेप्ट हमने लर्न किया है कि जब नेट फोर्स जीरो होगा सिस्टम का तो लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं होगी। बट वो भी चीज हमने लर्न की हुई है कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन में। याद करना कंसेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन में कि यहां पर दो चार्जेस है, दोनों के हमें इंडिविजुअल फोर्स तो मिलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके इंडिविजुअल फोर्स तो मिलते हैं, यस, पॉजिटिव नेगेटिव होने से वजह से टोटल फोर्स जीरो होता है, बट इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं है। अगर इंडिविजुअल फोर्स जीरो नहीं होता तो ऑब्वियसली वो फोर्स अल्टीमेटली वो फोर्स के रिलेशन को हम रोटेशनल मोशन में ले जा सकते हैं, और रोटेशनल मोशन में जब हम जाएंगे तो फोर्स की जगह हम क्या बोलेंगे, टॉर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। और उसको दूसरा हम नाम क्या दे सकते हैं, इट्स अ कपल ऑफ फोर्स। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इट्स अ कपल ऑफ फोर्स। सो वंस अगेन कीप इन माइंड, अगर नेट फोर्स जीरो होगा
तो सिंपली यहां पर हमें लीनियर मोशन पॉसिबल नहीं होगी। तो फिर कौन सी मोशन देखनी है? रोटेशनल मोशन। सो ऑब्वियसली कीप इन माइंड कि जब ऑपोजिट फोर्सेस यहां पर होते हैं इंडिविजुअल चार्जेस के, तो उस केस में यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा और उसको हम कपल ऑफ फोर्स भी बोल सकते हैं। सो दैट वी हैव टू डिस्कस द फंडामेंटल ऑफ टॉर्क, लेट अस गो फॉर दैट। सो मैं जब टॉर्क की बात करता हूं तो कई बार मुझे एग्जांपल वो कंसेप्ट में देने की इच्छा होती है कि आप समझो कि जैसे कि मैं फैन की अगर मैं बात करूं, जो फैन की मूवमेंट है बराबर, तो वो फैन बेसिकली जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो कंटिन्यूअसली रोटेट होता रहता है। सो हम क्या बोलते हैं, इट्स रनिंग, बट वो अपनी पोजीशन को तो नहीं छोड़ता। तो अल्टीमेटली टॉर्क कंसेप्ट में भी हम कुछ ऐसे रिलेशंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फॉर दैट व्हेन वी हैव अ थॉट ऑफ दिस टॉर्क वैल्यू हम क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले टॉर्क वैल्यू जब आइडेंटिफाई करेंगे तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये बेसिकली क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये आप देख सकते हो। सो उसको हम यहाँ पर एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बेसिकली कौन है, ये डायपोल है हमारा, डायपोल राइट। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच में ये एंगल क्या बना, ये एंगल क्या बना, थीटा एंगल यहाँ हमारा बना। यू कैन ऑल्सो सी ओवर हियर राइट, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और ये डायपोल हमारा पी है और उसके बीच में हमें एक सिंपल थीटा एंगल बना। सो ऑब्वियसली आई कैन फॉर्म वन ट्राइंगल ओवर हियर, आई कैन फॉर्म सिंपल ट्राइंगल ओवर हियर राइट। अगर मैं ट्राइंगल यहाँ पर बनाता हूँ, सपोज इफ आई हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो देखो, मीन्स ये पॉइंट को अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है, इसका डिस्टेंस मुझे आइडेंटिफाई करना है, तो मैं सिंपली क्या याद कर सकता हूँ, हमारा साइन थीटा का इक्वेशन राइट। साइन थीटा बेसिकली क्या होता है बोलो तो, अपोजिट अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस राइट। अभी मैं सिंपल बोलूँ कि ये साइन थीटा को ले लूँ तो ये जो हमारा अपोजिट वैल्यू है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर बोल दूँ कि ये बी ए है, ये बेसिकली बी है और ये सी है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो मैं अपोजिट को क्या लिखूंगा बोलो, ये अपोजिट को क्या लिखूंगा, मैं बी सी यहाँ पर लिख दूंगा राइट। हाइपोटेनस, हाइपोटेनस माने ये आपको दिखता है, वो डायपोल का जो डिफिनेट डिस्टेंस था वो कितना था, जो फाइनाइट डिस्टेंस हमने लिया था वो कितना था, 2a था। और यहाँ सामने ये क्या लिखा है मैंने बोलो, साइन थीटा। अभी सिंपली मैं बी सी को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2a साइन थीटा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और वो बी सी की जो वैल्यू है वो आप इजीली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो हो गया, ये बेस पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि ये 2a साइन थीटा कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया। सो ये पॉइंट को क्लियर यहाँ पर हमने कर दिया। सो उसके बाद अकॉर्डिंगली ये पूरा जो मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दिया, उसके बाद आप याद करो 11 स्टैंडर्ड का बेस इक्वेशन, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ऐसा कुछ याद आ रहा है? तो सिंपल मैं बोलू, अगर मेरे को यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू लिखनी है तो मैं सिंपल टी यहाँ पर लिख दिया, फोर्स अगर मेरा है तो फोर्स मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ लिख सकता हूँ, उसके साथ मेरा परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या था बोलो, आर था, तो मैंने आर को मल्टीप्लाई किया। फोर्स हमारा क्या था, बेसिकली जब हमें फोर्स को लिखना होता है तो हमारा नेट इंडिविजुअल फोर्स वैल्यू मैं बोलूँ तो क्या होगा, क्यू इंटू ई होगा ना, तो मैं सिंपल सा लिखता हूँ यहाँ पर, ये क्यू लिख दिया और ये ई लिख दिया, रिगार्डिंग माई पॉइंट। और यहाँ पर जब हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो बेसिकली ये होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन, रिगार्डिंग माई पॉइंट, ये जो हमने 2a साइन थीटा डिफाइन किया वो हमारा क्या हो गया बोलो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सो मैंने यहाँ पर क्या रिप्लेस किया, 2a साइन थीटा। अभी एक इंटरेस्टिंग सी चीज आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो और वो क्या है, वो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आप यहाँ पर देखो, ये 2a आपको दिखता है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, और ये अवेलेबल है q वैल्यू राइट। तो उसका मीनिंग क्या, 2aq, सो बेसिकली वो किसका इक्वेशन है आप देख सकते हो, 2a into q, वो बेसिकली इक्वेशन किसका हुआ, डायपोल का, किसका हुआ, इलेक्ट्रिक डायपोल का। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू
ये बेसिकली जो मैंने सर्कल किया उसकी जगह पी लिख दिया, उसके सिवाय क्या बचा, ई बचा, और उसके मल्टीप्लिकेशन में कौन सा, साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पीई साइन थीटा। यस वी आर गेटिंग दिस बेसिक फॉर्मूला ओवर हियर। और मैं रिवर्स इंजीनियरिंग थोड़ा अगर सोचोगे तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब आइडेंटिफाई करोगे, माने अगर टॉर्क को बोलू तो वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ये पी और ई दोनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। सो इलेवेंथ के मैकेनिक्स को अगर याद करोगे ना तो कुछ भी आपको मगअप करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर साइन थीटा दिखा, ये तीनों जो प्रोडक्ट है वो फिजिकल क्वांटिटी है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला, इट इज नथिंग बट द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सो वी आर गेटिंग द बेसिक इक्वेशन, वेक्टर टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। याद रखना हमने बेसिक 11 स्टैंडर्ड को ही याद किया है इस कंसेप्ट को डिराइव करने के लिए। सो फाइनली वी हैव द इक्वेशन ऑफ टॉर्क विथ अस, दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई ओवर हियर। सो विथ रिस्पेक्ट टू दैट केस यू कैन सी दिस, ये फाइनल इक्वेशन हमारा यहां पर मिल गया। सो इन दैट केस अगेन इफ आई से ये बेसिकली टाउ, ये हमने लिखा वेक्टर पी क्रॉस लिखा वेक्टर ई, राइट। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं, पीई साइन थीटा। सो जब ये थीटा को सपोज हम रिप्लेस करेंगे, अगर मैं थीटा की वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट मोड में यहाँ पर ले जाता हूँ, तो सिंपल सबसे पहले थीटा को अगर मैं जीरो बोल दूँ तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। सो अल्टीमेटली हमें टॉर्क क्या मिलेगा, यहाँ पर जीरो मिलेगा। अगर मैं थीटा की वैल्यू को इंडिकेट करता हूँ 90 डिग्री, राइट, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ये साइन 90 की वैल्यू होती है 1। सो उस केस में हमारा टॉर्क क्या होगा, बेसिकली पी इंटू ई हो जाएगा, राइट। बेसिकली क्या हो जाएगा, पी इंटू ई हो जाएगा। मीन्स थीटा जीरो रखोगे तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा 90 रखोगे तो टॉर्क पीई हो जाएगा। सो इस केस में हमें पता क्या चलता है कि यहाँ पर इस बेसिक कंसेप्ट में वो पता चलता है कि जब अगर आइडेंटिफिकेशन आपको देखना हो, सो वो पता चलता है कि अगर टॉर्क जीरो होता है तो उस केस में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो बेसिकली स्टेबल होता है, ऐसा पता चलता है। और अगर टॉर्क की वैल्यू सपोज मैंने ऐसे पीई मुझे कुछ वैल्यू मिलेगी, उसका मतलब ये हुआ कि वो डाइपोल स्टेबल नहीं है, दैट मीन्स इट इज नॉट स्टेबल। ये पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर जीरो रखा, अगर मैं सिंपल जीरो की जगह मैं 180 डिग्री कर दू, 180 डिग्री, यहाँ थीटा जीरो या फिर थीटा 180 डिग्री कर दो, तो फाइनली टॉर्क तो जीरो ही रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये 90 की जगह मैं आपको दूसरा एक ऑप्शन देता हूँ 270 डिग्री का, सो उस केस में टॉर्क क्या हो जाएगा, उस केस में टॉर्क पी इज इक्वल्स टू माइनस पी हो जाएगा। सो बेसिकली जो माइनस पी हमें रिलेशन मिलेगा वो भी क्या है, नॉट स्टेबल। दैट मीन्स इफ जीरो देन इलेक्ट्रिक डायपोल इज स्टेबल, इफ इट इज पी और माइनस पी इट इज नॉट स्टेबल, प्लीज कीप इन माइंड। सो मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वो फिर से आप यहाँ देख सकते हो, द डिरेक्शन ऑफ वेक्टर टाउ इज दैट इन विच राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस व्हेन रोटेटेड फ्रॉम पी टू ई, माने वो आगे जाएगा। सो अल्टीमेटली मैं आपको बोलूँ इस कॉन्सेप्ट में ये पूरा पॉइंट यहाँ पर मैंने क्लियर करवाया कि टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब साइन 90 डिग्री का रिलेशन होगा तब, जीरो डिग्री में क्या होता है वो मैंने आपको बोल दिया। यहाँ उसका एक डायपोल मूवमेंट हमने आइडेंटिफाई किया कि डायपोल मूवमेंट क्रिएट कब होगी। सो अल्टीमेटली इट मे बी डिफाइंड एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड परपेंडिक्यूलर टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ। याद रखना मैंने सिर्फ 90 डिग्री का नहीं, उससे भी डिटेल पॉइंट्स आपको क्लियर करवाए हैं, जीरो डिग्री हो, 90 डिग्री हो, 180 डिग्री या फिर 270। मींस
अगर हम रोटेशन वाइज पूरा देखें तो क्या क्या इफेक्ट आ सकती है, वो सारी मैंने यहाँ पर डिस्कस करवाई है। सो बेसिकली इट्स अ कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम की हम बात कर सकते हैं। सो अगेन मैं आपको बोलूं तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी टू टाइप का। नाउ दिस वन इज फॉर जनरल नॉलेज, राइट? ये पॉइंट को आप एक जनरल नॉलेज के तौर पे याद रखना कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर जो डाइपोल में है वो दो टाइप के बेसिकली हो सकते हैं। आइदर वन पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और दूसरा जो इक्विलिब्रियम होता है वो है अनस्टेबल। मीन्स सिंपली स्टेबल इक्विलिब्रियम माने क्या, इफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम गेट्स इट्स ओरिजिनल पोजिशन, माने मोमेंट के बाद अगर कोई पर्टिकुलर पोजिशन ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है, सिंपल वो एग्जैक्ट कंडीशन में आपको बताओ तो मान लो कि यहाँ आपने एक हैंगिंग पर्टिकुलर पॉइंट्स लिया, बराबर, ये एक हैंगिंग पॉइंट है, ये एक ऑब्जेक्ट आपने लिया है, राइट? उसको अभी आप फोर्स लगाओगे तो ये यहाँ जाएगा, लेकिन वापस फिर से वो क्या यहाँ पर आ जाएगा। सो ये बेसिकली जो इक्विलिब्रियम हुआ वो कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट? बट यहाँ पर जब आप जाओगे तो क्या होगा, इट विल नॉट गेन, मीन्स यहाँ मैं पोजिशन यहाँ पर उल्टी कर देता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये पोजिशन मैंने ऐसे ऐसे रख दी, सो यहाँ फोर्स मैं लगाऊंगा, सो उस केस के बाद वो अपनी पोजिशन को रीगेन नहीं कर सकता है, तो उस केस में वो इक्विलिब्रियम को हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट? अगर मीन्स अगर 0 डिग्री की पोजिशन है या फिर 180 डिग्री की, दोनों में हमें आंसर तो 0 ही मिलता है, स्टेबल या फिर अनस्टेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो उस केस में सिंपल स्टेबल इक्विलिब्रियम हो, उसका मीनिंग क्या, ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन, हम ये डाइपोल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, और अनस्टेबल में क्या होगा, वो अपनी पोजिशन को रीगेन नहीं करेगा। सो उसके बाद एक कंटिन्यूस पॉइंट है, उस क्वेश्चन को भी आप पढ़िए। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो रिलेशन था वो सारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया, नाउ वी विल डिस्कस विद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे कि मान लो कि ये डाइपोल को आपने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो नॉन यूनिफॉर्म है माने दोनों चार्जेस डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन से, ये डाइपोल एक्सपीरियंसेस दोनों के डिफरेंट होंगे, मीन्स फोर्सेज इक्वल अपोजिट होंगे नहीं, सो उस केस में डेफिनेटली हमको नेट फोर्स मिलेगा विद इन दैट नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। एट द सेम टाइम वहां पर अल्टीमेटली नेट टॉर्क भी एक्ट होगा, विच डिपेंड्स ऑन टू द स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ द डाइपोल, राइट? सो हमारा जो बेस इक्वेशन है विथ रिस्पेक्ट टू पोजिशन उसको फॉलो करेगा। एट द सेम टाइम जैसे हमने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, वैसे हम डाइपोल की डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं वेक्टर ई के साथ, तो उसमें क्या होता है, यू कैन सी दिस, यहां पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो और यहां पर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन देखो। डाइपोल का डायरेक्शन बेसिकली क्या होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। आर यू गेटिंग माय सिंपल पॉइंट? सो यहां पर जब हम स्पेसिफिकेशन बताएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन के थ्रू हमें ये दोनों, बेसिकली ये दोनों एरो आपको कैसे दिख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में है अल्टीमेटली। सो यहां पर उस केसेस में, सो यू कैन सी दिस, यहां पर हमने एक डायपोल रखा हुआ है माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल कॉन्सेप्ट, ओके? अभी मैं सिंपल आपको बोलता हूं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बोल दूँ और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पर नेगेटिव। तो ऑब्वियसली ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर, माने यहाँ पर मान लो कि ये पॉजिटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये नेगेटिव क्या होगा, यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, तो आप देख सकते हो फोर्स ऑन माइनस क्यू विच इज डिस्क्राइब्ड, राइट? यहाँ पर कौन है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट? और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो उसका नेट डायरेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो, राइट?
सो अल्टीमेटली ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो डायरेक्शंस है वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, उसकी टोटल ऑपोजिट कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो, उसकी टोटल ऑपोजिट कंडीशन आप यहाँ पर देख सकते हो। तो सिंपल मैं बोलूंगा कि यहाँ पर ई और पी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, सो बेसिकली पैरेलल है वो हम बोल सकते हैं। यहाँ पर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आप देख सकते हो, इसे एंटी पैरेलल बोलते हैं। तो उस केस में हमें क्या मिलता है, तो सिंपली जब हम अल्टीमेटली बोलेंगे कि पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, ऑब्वियसली दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 और 180 डिग्री बोला जाएगा, तो नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज द फोर्सेस ऑन चार्जेस प्लस और माइनस क्यू बिकम्स लीनियर, वो एक दूसरे से लीनियर हो जाते हैं। However, there is a net force तो है ही, लेकिन linearity के sense पर वो zero हो जाता है। Then after what we have to say कि ultimately P अगर जो particular electric field से parallel है, तो net force जो है x on the dipole in the direction of increasing field, माने वो direction increasing field में जाएगा, और anti parallel है तो जो नेट फोर्स है उसका जो टोटल डायरेक्शन है वो क्या होगा, विद द डिक्रीजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस पॉइंट को भी रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के लिए हमें याद रखना है। सो ये पूरा पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया। लास्ट में अगर आप देखो, सिंपल लास्ट में अगर आप देखो, तो ए कॉम्ब रन थ्रू द ड्राई हेयर अट्रैक्ट्स अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, हमने फर्स्ट लेक्चर से ये पॉइंट को बहुत बार डिस्कस किया है। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर डाइपोल मोमेंट को समझने के लिए लिखा हुआ है। सो यू कैन सी दिस कॉम रन्स थ्रू द हेयर, इट अक्वायर्स चार्ज ड्यू टू द फ्रिक्शन, राइट। सो व्हेन द चार्ज कॉम इज ब्रॉट क्लोजर टू द अनचार्ज पीस ऑफ पेपर, इट पोलराइजेस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वो क्या करता है, पोलराइज करता है पीस ऑफ पेपर को। अगर पोलराइजेशन होगा उसका मीनिंग क्या हुआ, इट इंड्यूसेस ए नेट डाइपोल मूवमेंट, इट इंड्यूसेस नेट डाइपोल मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्ब ऑन द पीस ऑफ पेपर इज नॉट यूनिफॉर्म। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कॉम्ब की वजह से वो पीस ऑफ पेपर पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं होता, सो इट एक्सर्ट ए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, दैट्स व्हाई against the gravity piece of paper gets attracted towards the comb। so last में अगर मैं conclude करूँ तो simply इसमें से याद क्या रखना है आपको, torque का concept, right, dipole का पूरा जो base concept था वो, 11th का mechanics याद करना है, torque r cross f का जो relation था उसको ही recall करना है, sin theta is equals to opposite upon hypotenuse का हमने एक formula लिया, उसमें से टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू पी क्रॉस ई डिफाइन किया, इट इज बेसिकली अ क्रॉस प्रोडक्ट, सब वेक्टर क्वांटिटीज यहाँ पर रिलेट करती है। उसके बाद मैंने क्या बोला, थीटा का रिलेशन 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वो सारी यहाँ सिर्फ थियरी के लिए 290 डिग्री रखा है, पर मैंने पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अनस्टेबल स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में बोला है बेसिक जनरल नॉलेज के लिए। एंड देन आफ्टर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या होगा, पैरेलल एंटी पैरेलल की इफेक्ट क्या आएगी, वो सारे पॉइंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए हैं। सो डू स्टडी इट वेल एंड स्टे कनेक्टेड विथ अस फॉर आवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।